सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका मिडल स्पीड पूरा हो जाए और अगर आप लोग को लगता है कि मिडल स्पीड पूरा होने में आपको बहुत समय लग रहा है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो मिडल स्पीड है, यानी कि जो ये आसन आपको दिख रहा है, इस आसन को सीखने के लिए प्रॉपर और सटीक जानकारी मिलने वाली है। काफी लोग को लगता होगा कि ये मिडल स्पीड सीखने के लिए बहुत समय चाहिए, यानी कि 1-2 साल 3 साल, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, समझा दूं अच्छे से कि कैसे आप मिडल स्पीड अपना कुछ महीनों के अभ्यास से भी कर सकते हैं। फर्क कितना होता है, आपके पास टेक्निक्स नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपके पास टेक्निक्स नहीं होती है, प्लस आपको एनाटॉमी भी नहीं पता होती कि कौन से पार्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मिडल स्पीड करते हैं तो आपको पता नहीं होता कौन सी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स कर रहे हैं आप, जो कि आपके मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। आपको ये नहीं मालूम होता कि कौन सी मसल्स है जिन्हें आपने स्ट्रेच करना होता है। जैसे हम कहते हैं हिप ओपनिंग, यानी कि हिप ओपनिंग नहीं करने की वजह से, प्रॉपर हिप ओपनिंग नहीं करने की वजह से आपका मिडल स्पीड नहीं हो पाता है। आप लोग 2-3 टेक्निक से काफ़ी दिन तक, काफ़ी साल तक प्रैक्टिस करते हो और जिस वजह से होता क्या है कि काफ़ी होता होगा। ऐसा ना हो आपको और आप भी चाहते हैं कि आपका मिडल स्पीड आसानी से और कम समय पे हो जाए, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, ताकि आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करें तो आपके पास सटीक जानकारी हो और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, वो सब मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप जीवन योगा शुरू चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपका बेल आइकन का आइकन है उसमें आपका ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी आपकी वीडियोस यानी कि आपको मिलनी चाहिए वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और हां, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके मिडल स्पीड सीखना, साइड स्पीड सीखना या फिर कोई भी आसन सीखना, तो आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आप अपने मिडल स्पीड को कैसे सीखने वाले हैं। अगर आप मिडल स्पीड का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपको काफी सारे ऐसे लाभ है जो मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आसन आपका काफी अच्छा है और आपको काफी सारे बेनिफिट भी देता है। जैसे कि अगर आप लोग को हिप बोन में काफी दर्द होता है या फिर हिप पेन रहता है, तो आपके बटक के पेन को भी कम कर सकते हैं। दूसरा यह कि जिन लोगों को भी नर्व्स में पेन है, यानी कि जैसे आपको साइटिका का इशू है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका अभ्यास करके, जिन मसल्स का स्ट्रेच करके आप टेक्निक से हिप ओपनिंग की वजह से आप अपने साइटिका नर्व का भी पेन कम कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप मिडल स्पीड सीखने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप मिडल स्पीड को सीखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपका एनाटॉमी क्लियर नहीं है, यानी कि आपको पता नहीं कि हम किन मसल्स को स्ट्रेच करने जा रहे हैं और जिस भी मसल्स को आप स्ट्रेच करने वाले हो क्या वो हिप ओपनिंग का पार्ट है या नहीं, वो भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हिप ओपनिंग क्या होती है। हिप ओपनिंग का मतलब है जब भी आप अपनी 22 मसल्स को, जो कि आपके हिप रीजन को अक्रॉस करके यानी कि जा रही होती है, उन सारी मसल्स को जब आप स्ट्रेच करते हो, लेंथनिंग करते हो, अगर उनके साइज को थोड़ा आप लेंथनिंग कर दोगे तो जाके ही आपकी हिप ओपनिंग होगी। लेकिन अब वो लेंथनिंग किससे होती है और हिप ओपनर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हिप ओपनर एक टेक्निकल टर्म है जिसकी सहायता से, मदद से आप अपने हिप मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करते हैं। जैसे कि आप चेयर का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉल का या फिर कोई भी ऐसी प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग या लेंथनिंग हो। तो ये होती है आपकी हिप ओपनिंग। सो दोस्तों, अपनी फर्स्ट टेक्निक जो होने वाली है वो हम अपनी ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपने हिप मसल्स यानी कि ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस को स्ट्रेच करने वाले हैं। तो आपने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर रखने अपनी ब्लॉक पे और दोनों हाथों को अपनी नी पे रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया रखे। अब आपने अपनी नी को आराम से प्रेस करना इस तरीके से अपनी फ्लोर पे। जिन लोगों को नी में पेन है घबराइए मत, आप लोग धीरे धीरे करिएगा और जितना हो सकता है। अगर आपको लगता है आपके यहाँ ब्लॉक नहीं है तो आप पिलो भी रख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से आपने अपनी नी को डाउन करना है और प्रॉपरली आपका जो स्ट्रेच होगा वो आपको क्वाड्रेसिव मसल से लेकर आपके हिप मसल्स तक प्रॉपरली स्ट्रेच आने वाला है। कम से कम 30 टाइम्स आपने करना है एक बार में। शुरुआत आपने हमेशा अपनी सिंपल एक्सरसाइज से ही करना है। अब आपने करना कि अपना एक पैर इस तरीके से ले जाएंगे और आप पूरा प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है आपने और फिर आपने अपने एक हाथ से अपनी नी को इस तरीके से टच कर लेना है और फिर दूसरे हाथ से भी अपने टो को टच कर लेना है, जो कि आपका राइट साइड होगा, जैसे कि मेरा आप देख पा रहे हैं। अब आपका स्पाइन एकदम सीधा रहने वाला है और सामने की तरफ देखते हुए आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे। लंबी गहरी सांस ले ऊपर आए और फिर साइड में ले। इन्हेल आप, एक्सहेल डाउन। आपको कहाँ पर स्ट्रेच आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग पर आएगा स्ट्रेच, जो कि आप फील कर सकते हैं और मुझे कमेंट में भी बताते रहिएगा।
अब आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है या फिर आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है और आपकी हिप मसल्स है उनको स्ट्रेच करना है और साथ में आपकी हिप एरेक्टर्स मसल्स को जो कि आपकी इनर थाइस मसल्स है, आपने करना है कि एक स्टैटिक एक्सरसाइज करनी है। अपना पांव सीधा रखेंगे इस तरीके से, यू हैव टू प्लेस योर हील ओवर योर मैट एंड देन अब आप क्या करने वाले हैं, दोनों हाथों को आप सामने की तरफ इस तरीके से प्लेस करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। अब आपकी स्पाइन जो होगी वो इस तरीके से लाइक सीधी होने वाली है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पाइन एकदम सीधे रखना है और अपनी एक एल्बो और दूसरी एल्बो को प्लेस करना है और फिर आप अपने सर को डाउन करेंगे और आप पाएंगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी खिंचाव आएगा और आपकी इनर थाइस पे जो कि हमारी मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रही है। तो आराम से यहाँ पर रोकना है कम से कम 20 सेकंड तक या फिर 15 सेकंड तक। आपका टो ऊपर होना चाहिए और आपका हील टच होना चाहिए और प्रॉपरली आप इस तरीके से सामने देखेंगे। अपने हिप को लूज नहीं करना, एकदम टाइट रखना है। फिर आप धीरे से रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरी साइड से अपने करने जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पैर सामने रखा, टो पीछे के लिए, दोनों एल्बो यहाँ पर रखा। अब आप रिलैक्स करके आराम से आपको इस तरीके से दो ब्रेक लेनी होगी और अब आपने दोनों ब्रेक को इस तरीके से साइड में रख देना है। और अगर आपके यहाँ ब्रेक नहीं है तो आप पिलो रख सकते हैं और अगर आप ब्रेक नॉर्मल जो रियल होते हैं उनको लेते हैं तो उसके ऊपर अच्छे से आपने क्लोथ कपड़ा रख लेना है ताकि आपके नी में कोई पेन ना हो। अब आपने करना कि अपना एक नी इस तरीके से ऊपर रखा और फिर दूसरा इस तरीके से इस वाली साइड पर रखा। अब होगा क्या कि आपकी इनर थाइस मसल्स और जो आपका हिप बोन होगा उस पर प्रेशर पड़ने वाला है, तो जो आपके पैर होंगे ना आपने फैला के रखना है एक इधर और एक उधर इस तरीके से रखना है। अब आप अपने दोनों एल्बो को नीचे, अब अपनी एक एल्बो और दूसरी एल्बो इस तरीके से आप रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। फिर आपने अपने हिप्स को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा हिप को नीचे के लिए ले जाना है और ऊपर के लिए इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी इनर थाइस यानी कि लैकर, स्वास मेजर, टेंसर फेसल, अटे मसल सब पे प्रेशर आएगा और काफ़ी अच्छे से आपको स्ट्रेच आएगा। फिर धीरे से आपने वापस आ जाना है। अब इस तरीके से रिलैक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपके हिप मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। आपने करना कि अपना एक पैर इस तरीके से टो को ऊपर रखना है और हील को आपने डाउन करना है और अब आपका जो नी होने वाला है उसका पोजीशन भी आप देख लीजिए, इसको आपने इस तरीके से ड्रॉप करना है। सो दोस्तों जो आपका टो ऊपर होने के बाद हील नीचे रहने के बाद आपका नी थोड़ा बेंड होगा और आप बटेक को थोड़ा इस तरीके से इस साइड ले जाएंगे और अपना एक हाथ इस तरीके से अंदर लाएं और दूसरा इस साइड में आपने रख लेना है। अब जो आपका हिप है यानी कि हिप मसल्स में आपका ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस है उस पर प्रेशर डालने वाले हैं। अपर बॉडी स्ट्रेट कर रहे हैं और एक्सेल डाउन कर रहे हैं इन्हें। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आपने दूसरी साइड से कर रहे हैं, टो ऊपर रखा, हील नीचे रखा, नी डाउन रखा, राइट हैंड इनसाइड, लेफ्ट हैंड अपने आउटसाइड रखना है इस तरीके से और सर को अंदर ले जाना है इन्हें आप एक्सेल डाउन। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, आपकी हिप मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है। आपकी इनर थाइस बहुत टाइट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में ऐसे लोग भी होंगे जो एडवांस लेवल पे होंगे यानी कि बहुत करीब होंगे, नज़दीक होंगे अपने मिडल स्प्लिट करने को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो आप, मैं आपको आपकी इनर थाई मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, आपके उस गैप को भी मिनिमाइज करने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव है। इसका अभ्यास ज़रूर करना, बाकी सारी टेक्निक तो करनी है लेकिन ये ज़रूर करनी है। चेयर लेना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं चेयर को, और फिर अपना राइट लेग ऊपर लाएंगे और इस पांव को इस तरीके से यहाँ पर आपने प्लेस कर देना है। जो टो है वो ऊपर रहने वाली है और हील आपका नीचे रहने वाला है और आपका दूसरा पांव जो होगा उसे आप साइड में रखेंगे इस तरीके से। और फिर आपने करना कि अपने हिप को पीछे ले जाएंगे, अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को आपने साइड में रखना है चेयर के और सर को आप अंदर ले जाएंगे और जितना हो सके अपने सर को नीचे के ले जाएंगे। जहाँ पर आपका फाइनल आपका पोजीशन होगा, जहाँ ज़्यादा प्रेशर आएगा वहाँ पर रोकना है कुछ सेकंड्स तक, यानी कि 10 से 30 सेकंड के बीच में। यहाँ पर आपने मैक्सिमम रोकना है और हिप मसल्स पे, इनर थाइस मसल्स पे आपको स्ट्रेच आने वाला है। फिर आप रिलैक्स करने के लिए आप अपने पांव को
एक पैर इस तरीके से ऊपर लाएंगे और साइड में इस तरीके से आप रिलैक्सेशन करेंगे, रोटेट करने आपने फिर इस साइड से। दोस्तों आप जब भी अपने मिडल स्प्लिट का अभ्यास करते हैं कुछ मिस्टेक करते हैं तो मैं आपको बता दूं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप करते हैं तो आपकी मिस्टेक ये है, दोनों हाथ को सामने रखते हैं और फिर अपने पाँव को ऐसे ऐसे ले जाते हैं, आपका जो फुट होता है वो टच होता है, टो भी टच होता है, ऐसे आपने नहीं करना है, इसको आपने इस तरीके से रखना है, ठीक है, ये ऐसे रखेंगे। अब स्लाइड करने के लिए आपका जो वेट होगा वो आप बहुत पीछे रख लेते हैं, ऐसा नहीं रखना है, पीछे रखेंगे तो क्या होगा ऐसे गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपका वेट क्या होता है, इस तरीके पीछे गिर जाता है, फिर आप क्या करते हो गिर जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपने करना है कि अपने पूरा बॉडी को स्ट्रेट रखना है और आपका पूरा हील साइड में रहेगा और सामने के लिए देखेंगे और फिर धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे। और अगर आपको लगता है आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आपने क्या करना है, फिर से आप देखिए एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखे, बटक को आगे के इस तरीके से रखना है। तो देखिए एवरीवन, इस तरीके का आसन करने से आपका ड्रीम तो पूरा होगा ही, प्लस आपको हिप से रिगार्डिंग कोई भी ऐसा पेन या प्रेशर नहीं आने वाला है। आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने इस आसन को करेंगे तो आपके अंदर जो दृढ़ता है, जो आपके अंदर स्थिरता है वो भी आएगी, साथ में आपकी जो स्किल होंगी, आपके माइंड की जो आपकी कैपेसिटी है वो भी डेवलप होने वाली है। तो इस तरीके के आसन को आप जरूर करें और कोशिश कर रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस आपने नियमित रूप से करनी है। अगर आपको पेन होता है तो आराम से आपने ऑयलिंग करके मसाज भी करनी है, मस्टर्ड ऑयल से या कोकोनट ऑयल से, ताकि आपको कोई पेन भी ना हो। तो ये आपके पास सारी बेस्ट एडवाइस है, टिप्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको वीडियो के बारे में राय देना है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों जीवन योग शुरू चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आसानी से मिलती रहे। और साथ में अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने आपको फ्लेक्सिबल बनाना, जिस एज में आप हैं उस एज में भी अपने आपको फ्लेक्सिबल बनाना, तो ये सब पॉसिबल है। उसके लिए आप मेरे से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके सीख भी सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।